जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी प्रोफाइल के ऊपर फॉलोअर्स और वीडियो व्यूज़, जो मतलब आप लोगों को ऐसी एजेंसीज आप लोगों को कह रही होती हैं कि अपने ऐड अकाउंट के ऊपर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि आप लोग किसी को सर्विस दें कि आपकी वीडियो के ऊपर हम व्यूज़ ले आएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे आपका, क्योंकि वो ऐसी एजेंसीज काम कर रही होती हैं, ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं अपना, वो एड स्पेंड लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर और उनकी आईडी के लिंक्स को या उसके कोड को जनरेट करके अपने कोड डालते हैं, जिससे ये होता है कि उनकी आईडी जो है वो प्रमोट हो जाती है, बूस्ट हो जाती है और लोग व्यूज़ बहुत ज़्यादा उनकी आईडीज़ के ऊपर आते हैं। तो आप लोगों ने उनके लिए क्या करना है, सीधा यहाँ पर आना है, क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों ने क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करना है, मैं प्रोसीजर आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर ट्रैफिक आ गया और वीडियो व्यूज़ आ गया, ठीक है। अब वीडियो व्यूज़ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेज वीडियो व्यूज़ आ गया, कम्युनिटी इंटरेक्शन है। अब कम्युनिटी इंटरेक्शन के अंदर आप लोगों को फॉलोअर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, ये देखें, और पीपल टू विज़िट, आपकी प्रोफाइल के ऊपर लोग विज़िट कर रहे होते हैं, और लैंडिंग पेजेस जो भी आपने डाले होते हैं वो उसके अंदर आप लोगों के, यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़े होते हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन के अंदर, वीडियो व्यूज़ के अंदर आप लोगों को व्यूज़ आ रहे होते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, बस फ़र्क ये होता है यहाँ पे वीडियो व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोअर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो टिकटॉक अपने हिसाब से सेट कर देता है। अगर फॉलोअर्स आप लोगों ने ऐड किए हैं तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली नीचे वो लिंक दे देगा कि भाई क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो फॉलो हो जाएगा, तो वो मतलब क्लिक जैसे ही करेंगे वो फॉलो हो जाएगा। तो इसने तो अपना काम करना है टिकटॉक ने, टिकटॉक के ये वाले बटन ने, तो अब आपने खुद ही यहाँ पे करना होता है। अब वो बंदा पूछता है जो भी एजेंसी काम करी होती है कि यार आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए या आपको फॉलोअर्स चाहिए। आप अगर कहोगे ना यार मुझे फॉलोअर्स चाहिए, तो अब वो इस पर क्लिक कर देगा। अगर आपको चाहिए वीडियो व्यूज़ तो इस पर क्लिक करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिटी इंटरेक्शन में जाता हूँ, फॉलोअर्स की बेस के ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई इसका ये आपका ये ऐड हो गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एडवांस सेटिंग पे जाना है, सारी चीज़ें ये आप लोगों ने देख लेनी है, ऑडियंस आप लोगों ने देख लेनी है, सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने वो सिटी भी क्लिक कर लेना है, कोई भी आप लोगों ने कंट्री कोई और चेंज करना है, दुबई है कोई भी करना है। यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा जेंडर यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर चले मैं ये कह देता हूँ कि आप लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो मेल हों, ठीक है, उनकी एज 25 से 44 के दरमियान हो और वो सारे ही कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हों, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑल पे क्लिक कर दिया, इंक्लूड में चले गए, ये आप लोगों ने ऑडियंस में चले गए, ऑडियंस में जाने के बाद ये इंक्लूड एक्सक्लूड थोड़ा सा ये इसको बेशक ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है जी ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ये इंटरेस्ट हैं जिनके ऊपर लोग ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, अब यहाँ पे साथ साथ बता रहा है भाई ये बहुत नैरो है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये इसका तो फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग शॉपिफाई करें, वो चेक करें कितने लोग हैं इस वक्त शॉपिफाई, मतलब ये इंटरेस्ट, लेकिन ये याद रखिएगा शॉपिफाई का जितने भी एड्स होते हैं, ये जितने भी इंटरेस्ट हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं टिकटॉक के अंदर, वो बहुत बहुत कम होते हैं। मतलब उसके अंदर आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि टिकटॉक इंटरेस्ट के लिए बना ही नहीं है, टिकटॉक है ब्रॉड ऑडियंस का नाम। अब यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं है, अमेजोन आप अगर आप, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है, अमेजोन अगर आप करते हैं, अब यहाँ पे आप लोगों ने ऑडियंस देख लेनी है। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा ऑडियंस है, क्योंकि इंटरेस्ट अब इसका कितना वो है। अब यहाँ पे फेसबुक अगर होता, फेसबुक यहाँ पे आपको बता देता भाई यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो भाई इसके ऊपर चले जाओ, तो वो नैरो में नहीं होता, वो अच्छी खासी ऑडियंस में शो कर रहा था, क्योंकि अभी इंटरेस्ट टिकटॉक का अच्छा नहीं हुआ, ऐसा ऐसा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंटेंट सारी ये चीज़ें, मतलब आप लोग इस तरीके से स्पेसिफिकली लोगों को ऐड करते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए अगर किसी को आप कहते हो ना यार मुझे फॉलोअर्स चाहिए और मुझे मेरी ही फील्ड से रिलेटेड फॉलोअर्स चाहिए, मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि ज्वेलरी से रिलेटेड है, आप अगर ज्वेलरी का इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस में, अगर ज्वेलरी का ही चले ऐड कर देता हूँ, आपको ऑडियंस चाहिए तो आपको इतनी ऑडियंस नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट डालना फिलहाल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को अगर डाल भी देता हूँ ये इंटरेस्ट, ये देखें ज्वेलरी में कर देता हूँ, जैसे ही मैंने ज्वेलरी किया यहाँ पे ये इंट्रैक्शन आ गया, ज्वेलरी में कोई आया नहीं, वुमेन में कर देता हूँ, वुमेन क्लॉथिंग ही कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट ये अच्छा खासा है, मतलब आप लोग इस इंटरेस्ट के अंदर जा सकते हैं वुमेन क्लॉथिंग के अंदर। अब यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट लोग लेके बैठे हुए हैं। अब टिकटॉक का जो एआई है वो ये बता रहा है कि इसके अंदर इतनी आपकी ऑडियंस है पाकिस्तान में बैठी हुई है,
इतना में इंटरेस्ट रख रही है, तो आप लोग इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, मेल है और इतनी एज ग्रुप है और सारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं वुमेन चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेल मैंने देखा है, यहाँ पे फीमेल अगर मैं लगाऊँ तो ये कम हो गया। अब खुद देख लें मेल का फीमेल क्लॉथिंग से क्या इंटरेस्ट, वुमेन क्लॉथिंग से क्या इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे उसने ज़्यादा शो करवा दिया, जहाँ फीमेल है वहाँ पे ये कम शो करवा रहा है। तो इस वजह से मैंने ये कहा है, पहले भी बता चुका हूँ कि जो इसका इंटरेस्ट है टिकटॉक का, वो थोड़ा सा भी लो है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सेट। लेकिन आप लोग इस तरीके से इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं, नीचे बिहेवियर्स और इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूड एक्सक्लूड करके आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेली बजट आप लोग $20 जितना भी आप लोग करना चाहें, वो आप लोग डिपेंड है और डिपेंड ऑन यू कितना आप लोग करते हैं, ठीक है। तमाम टाइम पे चलता रहे या कोई स्पेसिफिक आप चाहते हो कि यार मेरी ऑडियंस जो है ना 6 बजे के बाद आती है, तो मैं 6 बजे के बाद मैं चलाऊँ, 6 से लेके 3 बजे तक, या 6 से लेके 5 बजे तक, तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर दिया। आप लोगों ने जैसे ही ये ट्रैकिंग्स ये पहले पेज के ऊपर ये एड नेम के ऊपर आए, ठीक है, जैसे ही आप लोग एड नेम के ऊपर आए, अब वो आप लोगों को दो चीज़ें मांगता है। अगर आपने अपने ही अकाउंट को प्रमोट करना है, यहाँ से कनेक्ट अकाउंट कर सकते हैं। आप कहोगे कि यार मुझे ये अकाउंट नहीं है मेरा, मैं कोई और मतलब किसी और आईडी को मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप लोगों ने पोस्ट ऑथराइज बाय अकाउंट कर देना है, ठीक है। ऑथराइज टिकटॉक पोस्ट के ऊपर करना है और यहाँ पे कोड ऐड कर देना है। अब कोड कौन सा ऐड करना है ये बता रहा है, यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। आपने उसको वीडियो भेज देनी है कि यार आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से जाके क्रिएटर टूल्स में जाना है, ठीक है। क्रिएटर टूल्स में जाके ऐड सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपने कोड का कॉपी दे देनी है। यहाँ पे कोड करके सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो आ जाएगी, और वीडियो को आप लोग यहाँ से करके डाल देंगे तो आप लोगों को वो शो हो जाएगा कि इस वीडियो के ऊपर आपका ऐड चलने लगा है, ठीक है। जैसे ही आपका ऐड चलने लगेगा तो यहाँ से नीचे जाएंगे, सिंगल वीडियो चलानी है, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, तो वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली सबमिट करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे फॉलोइंग फॉलोअर्स जो हैं उसकी पोस्ट शुरू हो जाएगी, ठीक है।